तो आज हमारे फार्म बनने की डेट थी, तो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के 13 वार्ड्स हैं और 13 फार्म यहाँ कांग्रेस से आए हुए हैं और यहाँ इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी है। और हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन प्रोसेस हो, ये हमारे भलाई का काम है। ये लोकल सतह की जो फंडिंग रुकी हुई है, ये फंडिंग जो है, ये फंडिंग रिलीज हो, हमारे डेवलपमेंट के काम हो। हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन प्रोसेस के साथ। अच्छा, पीडीपी और एनसी ने जो बायकॉट कर दिया था? नहीं, इनका कोई बायकॉट नहीं है। ये प्रॉक्सी कैंडिडेट उठा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब बिल्कुल कश्मीरियों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से आ रहे हैं। उनकी मेंबरशिप चेक कर ली जाए, जो उनकी मेंबरशिप्स है, उन्होंने मेंबरशिप्स काटी हुई, सब उनके मेंबरशिप होल्डर हैं, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीरी आवाम को? जो भी प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उनकी मेंबरशिप होल्डर है, उनकी मेंबरशिप चेक की जाए। वो कश्मीरी आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ना है, सीधे आकर लड़ें। यहाँ से कश्मीरी कौम को बोल रहे हैं कि हम बायकॉट में बैठे हैं, यहाँ से अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट जो उठा के तो यहाँ इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनकी मेंबरशिप होल्डर हैं, जितने भी उनके यहाँ कैंडिडेट्स हैं सब मेंबरशिप होल्डर हैं।